कि आज जो 7,000 लोग रोज कैंसर से मर रहे हैं, जो 2,500 से लोग टीबी दमा जैसे क्षय रोग जैसे रोगों से मर रहे हैं, क्या पहले कभी इतने लोग मरा करते थे? जिस तरीके से भारत में यूनिवर्सिटियों पर पैसा खर्च किया जाता है, क्या वो पैसा कभी आयुर्वेदिक औषधालयों में किया जाता है? WHO अपनी गाइडलाइन में खुद बोल चुका है कि जब पैंडेमिक आएगी तो आपका धनिया मिर्चा और ये जड़ी बूटियों का जो भी काढ़ा आड़ा है सब साइड कर दिया जाएगा। माँ के दूध में सभी पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी माँ के दूध को साइड करके बचपन से ही उसे इतने टीके लगवाए जाते हैं, ये इंजेक्शन लगवाए जाते हैं। आप देखें कि अभी जो योगाचार बने हुए हैं, क्या वास्तव में सरकारों से योग का हक मांग पा रहे हैं? क्या इस माहौल को बनाया गया है या इस माहौल की ही कल्पना की गई थी कि हम इस तरीके से भारत देश में आयुर्वेदिक को डैमेज कर देंगे? संत आसाराम जी अपू साथ करवा के ये सारा अत्याचार आप लोगों के ऊपर हो रहा है कि आने वाले समय में कैसे नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं रूपेश। क्रांतियुद्ध चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आने वाले समय में यानी कि जो इलेक्शन के बाद समय आएगा, वैसे 80 देश हैं, कंट्रीज़ हैं जहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव होने वाले थे। लगभग 70% जो चुनाव हैं वो निपट चुके हैं। भारत में भी चुनाव चल रहा है और ये भी निपट जाएगा। तो आने वाले समय में क्या गुल खिलेंगे? WHO का कैसा प्रकोप रहेगा? क्या वास्तव में जो खेलों की बात की जा रही है, ऐसे भव्य और भयानक खेल क्या खेले जाएंगे भारत में? जिस तरीके से बड़े बड़े वायरस की बात की जा रही है, इंजेक्शनों का माहौल बनाया जाएगा, हर तरीके से जकड़ा जाएगा, बात बात में आपको सर्दी जुखाम से लेकर खांसी तक भी इंजेक्शन ठोंके जाएंगे, क्या उन इंजेक्शनों के पीछे कुछ बहुत बड़ी भयानक साजिशें नज़र आ रही हैं आपको? अगर नहीं भी आ रही हैं तो आज के एपिसोड में थोड़ा सा विश्लेषण आप ज़रूर समझिए, क्योंकि आज का एपिसोड आपको एक जड़ी बूटी की तरह काम करेगा, जिससे आपको पहचान होगी कि आने वाले समय में हमारी वास्तविक जड़ी बूटी क्या है। और जो आपको जड़ी बूटी के रूप में प्रदान की जाएगी औषधियाँ, इंजेक्शन, क्या वो आपका वास्तव में हित करेंगी? तो आज बड़ी बड़ी बातें की गई, या फिर आप देखें कि विश्व गुरु पने की ओर भारत को लेके जाया जा रहा है, ऐसा दिखाया जा रहा है कि कितनी भी कठिन परिस्थिति हो भारत सबको दवाओं से लाभ दे देगा, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से लाभ दे देगा, या भारत का जो खजाना है उससे लाभ दे देगा। तो क्या वास्तव में भारत की दिव्य जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाएगा या करा जा रहा है, या फिर वास्तव में भारत की जो गरिमा है उसको गरिमा में प्रतिष्ठित किया जा रहा है? जो आयुर्वेदिक शास्त्र है, जो आयुर्वेदिक औषधि के जो सिद्धांत हैं, आज़ादी से पहले आप देखें बड़े पैमाने में जो शल्य चिकित्सा है, बड़ी बड़ी चिकित्साओं के माध्यम से हर तरीके के उपचार आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार होते हैं। आज़ादी के बाद बड़े पैमाने में जो एलोपैथिक की ओर लोगों को ढकेला गया, आज हर तरीके की पैंडेमिक में या फिर जो आने वाली खेल की भयानक नीतियाँ हैं उनमें आयुर्वेदिक को आगे रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, इसका अगर संक्षिप्त में उदाहरण आपको समझना है तो सबसे पहले भारत देश के प्रधानमंत्री का इस वीडियो को आप समझिए कि हर पल बढ़ने वाला जो कैंसर है उसके लिए बात बात में इंजेक्शन और जो ये डोज की बातें भी खुलेआम अब होने लगी हैं, और खुलेआम बजट भारत देश में आ रहा है, बजटों पर काम हो रहा है, बड़े बड़े एलीट्स अपना पैसा इंजेक्शन में लगा रहे हैं क्योंकि उनको पता है आने वाले समय में बड़े पैमाने में इंजेक्शनों का खेल खेला जाएगा। आने वाले दिनों में मैं सर्वाइकल कैंसर को लेकर के, खास करके बच्चियों के लेकर, मैं भारत में इस बार बजट में हमारी जो साइंटिस्ट हैं उनको बजट देना चाहता हूँ, वैक्सीन बनाइए, और बहुत ही कम पैसों में मैं मेरे देश की सभी बच्चियों का वैक्सीनेशन करूँ। जब मेरी नई सरकार बनेगी तो मैं सबसे पहले उस दिशा में काफी पैसे रिसर्च में लगाना चाहता हूँ। कभी कभी आप प्रधानमंत्री की स्पीच सुनते होंगे कि हम आयुर्वेदिक शास्त्र को जीवंत कर रहे हैं, बड़ा प्रयास कर रहे हैं, फट्टे दम तक हम आयुर्वेदिक के लिए खड़े हुए हैं और हम आयुर्वेदिक को पूरे विश्व में छा देंगे। क्या वास्तव में वो काम हो रहा है? आज आयुर्वेदिक के नाम पर जो उसे साइड करने की जो पॉलिसियाँ चल रही हैं, इस पर आपको आज विशेष गौर करना पड़ेगा। भारत के 90% गाँव में आप देखें कि वैदाचार होते थे, जो छोटे मोटे इलाज होते थे वो वहीं पर ही निपट जाया करते थे, जिसे बार बार ये बोल बोल कर नरसाही किया गया लोगों को कि आप झाड़ फूंक से क्या होगा, उस पर डाकनी साकनी ऐसे ऐसे नाट्यात्मक नाटक बनाए गए और लोगों को समझाने के लिए अनश्रद्धा उन्मूलन कार्यक्रम जैसी समितियां घोषित की गई, और फिर उसके बाद उन्हें ऐसा ठहरा दिया गया कि ये सब कुछ खराब है,
इस झाड़ फूर के चक्कर में या मंत्रों के चक्कर में या फिर जो आपके वैद्य हैं वो आपको छोटी मोटी दवाई दे देते हैं, उसके चक्कर में लोगों की जानें चली जाती हैं। कि आज जो 7,000 लोग रोज़ कैंसर से मर रहे हैं, जो 2,500 से लोग टीबी दवा जैसे क्षय रोग जैसे रोगों से मर रहे हैं, क्या पहले कभी इतने लोग मरा करते थे? जो ये तमाम चीज़ों को बंद करवा दिया गया, इसे अंधश्रद्धा बोल दिया गया, इसे झाड़ फूंक या मंत्र को टूना टूटका बोल दिया गया, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को मात्र ऐसी धनिया मिर्चा की तरह नॉर्मल तरीके से ठहरा दिया गया, इससे क्या होता है? तो क्या उस पद्धति को छोड़ने के बाद आज जो पद्धतियाँ चल रही हैं केमिकल वाली, इस पद्धति से क्या वास्तव में लोगों की सुरक्षा हो रही है या फिर आदमी मौत की ओर जा रहा है? आज भारत देश के प्रधानमंत्री बातें कर रहे हैं वैक्सीनेशन की, इंजेक्शन की बातें कर रहे हैं। क्या भारत देश में जो बड़े बड़े शास्त्र हैं, धर्ममंत्री शास्त्र हैं, जिसमें बड़ी बड़ी जड़ी बूटियों का ज्ञान है, क्या भारत देश में बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले गए हैं? क्या आयुर्वेदिक हॉस्पिटलों के लिए भारत देश में डोनेशन आता है? या फिर जिस तरीके से भारत में यूनिवर्सिटियों पर पैसा खर्च किया जाता है, क्या वो पैसा कभी आयुर्वेदिक औषधालयों में किया जाता है? क्या इस देश में अच्छे वैद्य बने उसके लिए काम किया जा रहा है? अभी WHO अपनी गाइडलाइन में खुद बोल चुका है कि जब पैंडेमिक आएगी तो आपका धनिया मिर्चा और ये जड़ी बूटियों का जो भी काढ़ा आड़ा है सब साइड कर दिया जाएगा। तो वास्तव में इंसान को ये लोग क्या प्रदान करना चाहते हैं, इस पर आपको गौर तरीके से गौर करना होगा। जो केमिकल से केमिकल को मारो, केमिकल से केमिकल का खेल करो, केमिकल से बचा लो लोगों की जान, जिस तरीके की पॉलिसियाँ चल रही हैं, माँ के दूध में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी माँ के दूध को साइड करके बचपन से ही उसे इतने टीके लगवाए जाते हैं, ये इंजेक्शन लगवाए जाते हैं, कैंडी के इंजेक्शन लगवाए गए, फिर आने वाले समय में और भी इंजेक्शन लगवाए जाएंगे। तो जो मनुष्य के DNA के साथ शुद्ध तरीके से छेड़खानी की गई है, देखिए बहुत सारे एविडेंस ऐसे सामने निकल कर आए, बहुत सारे डॉक्टरों के जो डिटेल्स हैं उन्होंने विश्लेषण किए, वो सब YouTube में डाले जा रहे थे कंटेंट, तो आप देखें कि उस कंटेंट को सीधा सीधा उड़ा दिया जा रहा था। यहाँ पर मैं बहुत सारे आपके सामने तथ्य रख सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो भी उड़ने में कोई समय नहीं लगेगा, इसीलिए आप शॉर्टकट में समझ जाइए कि इंजेक्शन से आपके DNA को सीधा सीधा छेड़खानी की जा रही है। जो आप सोच पाते हैं, जो आप समझ पाते हैं, अपने हितेशियों को पहचान पाते हैं, वो कला को छोड़कर जो आर्टिफिशियल हितेशी खड़े किए जाएंगे उनकी शरण में जाकर आपको सीधा हलाल करने की पोजीशन में लेके आसानी से जाया जाए, अपने लिए यूज करवाया जाए और वो जब चाहें जैसे आपको यूज कर सके उसके लिए काम हो। इसीलिए तमाम खेल आगे चल के WHO के साथ कैसे खेला जाएगा और ये खेल चंद लोग ही खेलेंगे, मैं आपको उसका भी विश्लेषण बताऊंगा। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि क्या वास्तव में आयुर्वेदिक शास्त्र का लाभ उठाया जा रहा है, क्या आयुर्वेदिक को दोहन किया जा रहा है। आज़ादी के बाद आप देखें सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने में आयुर्वेदिक शास्त्र को जीवंत किया, उसकी औषधियों का प्रचार किया, गौमूत्र का आप देखें कि गौ संरक्षण का काम किया, बहुत सारे पीपल हैं, तुलसी हैं, ऐसी दिव्य जड़ी बूटियाँ हैं जिसका समाज में सरल तरीके से प्रचार प्रसार किया। तो संत आसाराम जी अपने बड़े पैमाने में किया, योग का प्रचार किया। आप देखें कि अभी जो योगाचार बने हुए हैं, क्या वास्तव में सरकारों से योग का हक मांग पा रहे हैं, या आयुर्वेदिक बड़े पैमाने में इस देश में प्रैक्टिकल आए, जगह जगह अच्छे हॉस्पिटल आयुर्वेदिक के खुलें, लोगों का विश्वास आयुर्वेदिक की तरफ जाए। क्योंकि आप किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाएँ या किसी शहर में चले जाएँ तो गिने चुने आपको आयुर्वेदिक हॉस्पिटल मिलेंगे और जहाँ पर ऐसे डॉक्टर आपको मिलेंगे कि जो मात्र कम नॉलेज रखते हैं या फिर उनके पास ऐसी दवाएं सुविधाएं मौजूद नहीं है, उपलब्ध नहीं है जिससे कि वो आसानी से बड़े पैमाने में ट्रीटमेंट कर सकें। तो कहीं ना कहीं लोग वहाँ जाकर दुरुत्साही हो जाते हैं, फिर वो उनको बार बार एलोपैथिक की ओर आना पड़ता है। तो ये जो माहौल बना है, क्या इस माहौल को बनाया गया है या इस माहौल की ही कल्पना की गई थी कि हम इस तरीके से भारत देश में आयुर्वेदिक को डैमेज कर देंगे तो मनुष्य का अपने आप आयुर्वेदिक से विश्वास उड़ जाएगा, वो एलोपैथिक की तरफ चला जाएगा। आज यही हो रहा है कि इस देश में आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा आयुर्वेदिक का संरक्षण करने के लिए, आयुर्वेदिक का प्रचार करने के लिए जिस संत ने काम किया, आज उसी संत को जब 5-5 अटैक आते हैं कैंडी के बाद, जब उनके ऊपर प्रोसेस की जाती है पूरी रेमडेसिविर की प्रोसेस की जाती है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं बॉडी में, उनकी बॉडी को पूरा डैमेज कर दिया जाता है, उसके बाद जो 5-5 अटैक आते हैं तो जब वो बोलते हैं कि मेरे को दिव्य औषधियों का सेवन करने दीजिए, थोड़ा खुली हवा में मेरे को विचरण करने दीजिए और साथ ही साथ मेरे को जो अच्छे हॉस्पिटल हैं उनका सानिध्य लेकर पंचकर्म आदि करवाने दीजिए, तो उनकी बातों को नहीं सुना जाता।
क्या भारत में वास्तव में जो विश्व गुरु की बात सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, हृदय में हाथ रख के देखें, इस भारत देश की जो आत्मा है, भारत देश का जो मानवता को सुख प्रदान करने वाली, सुखी प्रदान करने वाली, निरोगी रखने वाली जो शास्त्र युक्त नीतियाँ हैं आयुर्वेदिक शास्त्र की, क्या उनको जीवंत किया जा रहा है या उसको ख़त्म किया जा रहा है? और साथ ही साथ जिसका वो प्रचार करते रहे, ऐसे संत, वैद्य, आयुर्वेदाचार्य, वैज्ञानिक, उनको ख़त्म किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब आपको ये तमाम बातें समझनी होगी कि इस देश में, भारत देश में कैसे आपको आयुर्वेदिक से दूर किया जाता है। कई लोग तर्क करते हैं कि पहले क्या है, आज़ादी के पहले ऐसे केमिकल नहीं थे, ऐसा माहौल नहीं था। बात में खाने से लेके पीने तक आप देखें कि जो केमिकल खा रहे हैं ग्राम की संख्या में 1.1.0.1, ऐसे ऐसे बड़े बड़े केमिकल्स आप सुबह से लेके पीने से लेके खाने तक अपनी बॉडी में डाल रहे हैं मिक्स। पहले ये सब नहीं था, तो अभी जो केमिकल का असर, केमिकल से ही काटना पड़ेगा। लेकिन क्या ये केमिकल वाले खेल से आपकी जानें बच पा रही हैं? 5-5 साल के बच्चों की किडनियाँ फेल हो रही हैं, लीवर फेल हो रहे हैं, हार्ट फेल हो रहे हैं। आप देखें कि बच्चा पैदा हो रहा है और उसके 2 साल के बाद उसका लीवर कमज़ोर हो रहा है। इतने बड़े यंत्र हैं कि जो पूरे जीवन भर ख़राब नहीं होते आसानी से, अंतिम चरण तक 90-90, 100-100 साल की उम्र तक भी लोगों की किडनियाँ स्वस्थ रहती हैं, तो आज वो 5-5 साल की उम्र में डैमेज हो रही हैं। तो क्या वास्तव में आपके साथ न्याय किया जा रहा है? आपको जो लॉलीपॉप दिखाया जाता है कि हम विकास की ओर लेके जा रहे हैं, आपको हम ऐसे विकास की ओर लेके जा रहे हैं जहाँ पर आपको बड़ी प्रशंसा मिलेगी, स्वस्थ रहेंगे आप, क्या आपसे आपका आयुर्वेदिक हक छीना जा रहा है? आज जो खेल संतासाराम जी अप्पू के साथ किया जा रहा है, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आज़ादी से के बाद आप देखें आयुर्वेदिक का सबसे ज़्यादा प्रचार किया, और संतासाराम जी अप्पू ने अपने सानिध्य में आने वाले सभी लगभग लोगों को आप देखें, उनके आप अनुभव सुने आयुर्वेदिक के नुस्खों से, आयुर्वेदिक शास्त्र युक्त बताई हुई औषधियों से उनके जीवन में कैसे परिवर्तन हुआ। बाईपास सर्जरी संतासाराम जी अप्पू के तमाम शिष्य नहीं करवाते हैं, ऐसी चीज़ें हैं ऑपरेशन बात में करवाना नहीं करवाते हैं। तो जिसने ऐसा ज्ञान भारत देश में स्थापित किया, आज उसी संत के साथ जब इतना बड़ा खेल खेला गया कैंडी के बाद, तो आज उनको आयुर्वेदिक शुद्ध ट्रीटमेंट ना मिल पाए, उनको बार बार बांधा जा रहा है जोधपुर की 4 दीवारों से, उनको निकलने नहीं दिया जाता और 1 दिन की बेल तक नहीं दी जाती, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो ये खेल मात्र आज संतासाराम जी अप्पू के साथ नहीं हो रहा है, ये मैं आपको बात स्पष्ट रूप से बता दूँ। आप इस बात को बड़े गौर से सुने कि आपके हितेशियों को इस टाइप से बिहेव करके जो सरकारें या फिर जो इंटरनेशनल मैनेजमेंट जो ये करवा रहा है, ये अत्याचार मात्र संतासाराम जी अप्पू के साथ नहीं हो रहा है, इसे आप भूल जाइए। संतासाराम जी अप्पू के साथ करवा के ये सारा अत्याचार आप लोगों के ऊपर हो रहा है कि आने वाले समय में कैसे आपको आयुर्वेदिक से दूर रख के आपको सीधा सर्दी जुकाम खांसी में भी उठाकर पैंडमिक के नाम पर आपको बोर्ड हो दी जाएंगी कि आप सीधे अंदर जाएंगे हॉस्पिटलों में और बाहर कैसे निकलेंगे, इसका वर्णन कर पाना बड़ा दर्दनाक है। तो अभी भी समय है अपने शुद्ध भाव को पहचानें, अपने हृदय पर एक बार हाथ रखें और अपने हितेशियों को पहचानें, और इस भारत देश में जो आत्मा रही है आयुर्वेदिक, उसे जीवंत करें और अपने हक के लिए लड़ें। इस अंधी दौड़ में, एलीट्स के बनाए हुए माहौल में, उनकी स्क्रिप्ट में इतना मत खो जाएं कि आप अपनी संस्कृति से, संस्कृति के मूल सिद्धांतों से दूर चले जाएं। आपको कंट्रोल पॉलिसी में कैसे जकड़ा जा रहा है, आप देखें कि लोग अब बोर नहीं कर सकते, बोलते हैं कि भाई यहाँ पर क्लाइमेट ख़राब हो जाता है, बोर मत करें, तो जो म्युनिसिपैलिटी का पानी आता है वही पीना पड़ेगा आपको। हर तरीके से कंट्रोल करके आपको, पानी आपका कंट्रोल कर लिया, खाना आपका कंट्रोल कर लिया, खाने में जो सब्जियां उगाई जा रही हैं उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया और उनमें ऐसे ऐसे केमिकल्स डाले गए हैं कि वो सीधे सीधे व्यापार के तौर पर, जैसे कद्दू है छोटा होता तो बड़ा हो गया, 1 किलो का कोई फल उपजता है तो उसे 2 किलो का बना दिया, बोला कि व्यापार में मुनाफा मिलेगा। इनको पता था कि हम जो बीज चेंज कर रहे हैं, हम जो ये खाने की प्रक्रियाएँ चेंज कर रहे हैं, इससे व्यापार तो होगा ही, साथ ही साथ ये जो केमिकल खाएंगे इससे इनका DNA चेंज हो जाएगा। आज आप जितने बड़े बड़े एलीट्स का देखें, आप उनका भोजन, उनका जो जीवन शैली है, उनका खान पान बड़ा ही आयुर्वेदिक जैसा रहता है, और वो उनकी सब्जियां बहुत ही अच्छे तरीके से, अलग ढंग से उगाई जाती हैं, उनको सब पता होता है। लेकिन ये पूरा खेल
भारत देश में कैसे खेला गया जनता के साथ, आज भी जनता को गुमराह किया जा रहा है। आप देखें जितना इंटरेस्ट आज भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इंजेक्शन के लिए ले रहे हैं कि हम कैंसर के लिए इंजेक्शन बनवा लेंगे, लेकिन कैंसर किन तमाम चीज़ों से उत्पन्न हो रहा है उसके प्रति क्या जागरूकता फैलाई जा रही है। जो ये रेडिएशन, जो 5G इंटरनेट, जो इस देश के एलीट्स हैं मुकेश अंबानी जी, जो ये पूरा माहौल जियो करके जिन्होंने लॉन्च किया है 5G से, जो लोगों को रेडिएशन से जो ब्रेन हेमरेज, ब्रेन के कैंसर और ट्यूमर, शरीर में कैंसर बढ़ रहे हैं, चिड़िया आप देखें कि वो कम हो गई है, गौरैया एक पक्षी होता था वो कम हो गया है। तो आप केमिकल भारत देश में जो कंपनियां भयानक से भयानक यूज कर रही है, भारत देश की जनता के ऊपर कंपनियां यहां आती हैं और आसानी से एक्सपेरिमेंट करके चली जाती हैं। भारत देश को एलोपैथिक का सबसे बड़ा हब बनाया गया है एक्सपेरिमेंट का, कि यहां पर आदिवासी क्षेत्रों में आप चले जाइए, झारखंड साइड आप देखें उन आदिवासियों के ऊपर इतना ट्रायल होता है एलोपैथिक मेडिसनों का, जो सेक्स वर्धक जो जितनी दवाएँ होती हैं अधिकांश जो बाहर से आती हैं इस देश में आसानी से ब्लैक में एक्सपेरिमेंट के दिए, वो आदिवासी क्षेत्रों में जाकर जनता के साथ एक्सपेरिमेंट करती हैं। भारत देश की जनता के साथ कई दवाओं का ट्रायल होता है। आप यहाँ तक कि मैं पहले भी कई बार एपिसोड में बताता रहा हूँ कि कोई भी इंजेक्शन, जब कोई भी कैंडी का जैसे इंजेक्शन बनना है तो वो आसानी से इतने सरल तरीके से नहीं बनता, उसके लिए बहुत रिसर्च करना होती है, 5-5, 7-7 साल लग जाते हैं, तब जाके उसमें सफलता मिल पाती है भी कि नहीं, इस पर भी आज तक साइंटिस्टों ने जो अनुभवी हैं उन्होंने बोला है कि मात्र 10% ही मिल पाती है, लेकिन बड़े धड़ल्ले से कम समय में बना दिया गया। अब उसका एक्सपेरिमेंट कहाँ होगा, तो एक्सपेरिमेंट भी यहाँ की जनता के ऊपर ही किया गया। तो ये बातें बहुत ही सुनने में सरल लगती हैं लेकिन ये बड़ी दर्दनाक हैं, क्योंकि आपके जो घर के सदस्य जो आपसे छीने गए हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनका दर्द मैं सुनता था कि वो हॉस्पिटल में भर्ती हुए और उनकी लाश बाहर निकली, तो ऐसी नौबतों में जिनके साथ खेल हुआ है। अब आप संतासाराम जी अपू का ही ले लीजिए, जिसने आयुर्वेदिक का इतना प्रचार किया भारत देश में आज़ादी के बाद, उनको भी कैंडी के नाम से कैसे अंदर रखा गया और फिर बाद में उनके शरीर में क्या क्या कर दिया गया। आज आने वाले समय में आपके आयुर्वेदिक सिद्धांतों को कमज़ोर बनाकर आपके साथ जो खेल खेला जाएगा, आज अगर आप आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं अपने हितेशियों की रक्षा के लिए, आयुर्वेदिक इलाज के लिए, और भारत देश में आप जो सोच रहे हैं कि बस एलोपैथिक के बड़े बड़े हब खुल गए हैं, यूनिवर्सिटियां खुल गई हैं और बच्चों को जो एक पेटेंट वहां से आता है बस उसी की पढ़ाई में डुबा दिया है, आज अगर आप सवाल नहीं करेंगे भारत देश के प्रधानमंत्री से, हक की मांग नहीं करेंगे कि भारत देश में आयुर्वेदिक जो शास्त्र हैं उसमें अच्छे से अध्ययन होना चाहिए, पतंजलि शास्त्र हैं उसमें अध्ययन होना चाहिए और यहाँ पर हर शहर में गाँव तक शल्य चिकित्सा के हॉस्पिटल खुलना चाहिए, अच्छे से अच्छी औषधियाँ यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए, जो आज नहीं हो पा रही हैं, आप अपने हक की मांग छोड़ रहे हैं जिसके कारण आपको सीधा सीधा ऐसे गर्त में ढकेला जाएगा जिसकी आप भूमिकाएँ नहीं समझ पाएंगे। काफ़ी लोग बोला करते हैं कि संत आखिर समाज में क्या करते हैं, आप एक छोटा सा उदाहरण संत आसाराम जी बापू का ही ले लीजिए। आज़ादी के बाद उन्होंने जब कमान संभाली तो दशरथ धर्मांतरण रोका, आयुर्वेदिक का प्रचार किया, गौ संरक्षण का काम किया, इसके पीछे कुछ तो रहस्य होगा। आयुर्वेदिक का प्रचार क्यों किया, क्योंकि मनुष्य का सीधा स्वास्थ्य भारतीय संस्कृति का जो खजाना है आयुर्वेदिक से ही जुड़ा हुआ है, एलोपैथिक से नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि एलोपैथिक जो नीतियाँ हैं वो टोटल विपरीत हैं शरीर के, कि शरीर के हर पार्ट में माइंड होता है। इस बात को सन 2018 में ये लोग बोलना चालू कर रहे हैं कि बॉडी के हर पार्ट में माइंड होता है, पहले सन 2018 के पहले का जो सिलेबस आप देखें तो उसमें यही बोला जाता था कि माइंड बस यहाँ होता है बाकी बॉडी में कुछ ऐसा वो नहीं होता है। अब जब इनका रिसर्च हुआ तब इनको पता चला कि लीवर का भी खुद का माइंड होता है, किडनी का खुद का माइंड होता है, अगर कोई भी वायरस बाहर से अटैक कर रहा है तो रूम कूप में जो अपने बैक्टीरिया बैठे हुए हैं उनका खुद का एक माइंड होता है, वो दिमाग से पूछने नहीं जाते कि भाई हमको क्या करना है, अगर वहाँ से कोई वायरस आ रहा है, कोई बैक्टीरिया आ रहा है तो अपना हाल के हाल अपना रूप बदल लेते हैं, वो अपना फाइट कर लेते हैं, वो दिमाग को डिस्टर्ब नहीं करते। लीवर कोई दिमाग से नहीं पूछने जाता है कि भाई ये तुम ऊपर से केमिकल नीचे की ओर डाल रहे हो, जहर खा रहे हो तो मुझे क्या करना है, वो हाल के हाल डिसीजन लेता है, हाल के हाल वो अपना डिसीजन लेके जहर खा रहे हो तो उल्टी करवा देता है। तो मतलब ये 18 में बोलना चालू किए कि बॉडी के हर पार्ट में माइंड होता है, जबकि हमारे आयुर्वेदिक सिद्धांतों में स्पष्ट रूप से हमारे ऋषि मुनि बोलते रहे हैं कि निंदा मत करो, शरीर दूसरे शरीर को पहचानता है क्योंकि हर एक पार्ट में माइंड होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये विद्रोह क्यों कर रहा है, ये निंदा क्यों कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो
पूरी बॉडी में विद्रोह कर देते हैं, जिसके कारण से आप देखेंगे किसी की निंदा करने के बाद या किसी पर क्रोध करने के बाद आपकी पूरी बॉडी विकृत होने लगती है, केमिकल्स कैसे कैसे निकलने लगते हैं, पसीना निकलने लगता है वगैरह वगैरह। तो ये तमाम चीज़ों पर हमारा आयुर्वेदिक शास्त्र टिका हुआ है, उसको साइड कर दिया गया। तो ये जो पूरा खेल संतासाराम जी आपू के साथ खेला जा रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि ये सब कुछ मजाक है, आप इसे मजाक में मत लें, क्योंकि ये सारा खेल 100 गुनी स्पीड से आपके बच्चों के ऊपर खेला जाएगा, आपके ऊपर खेला जाएगा, और आपकी जो घर में सदस्य हैं, बीवी बच्चे वगैरह जो आप देखते हैं, दादा दादी वगैरह, उनके साथ खेला जाएगा। अगर आप अपने हितेशियों को आज नहीं पहचान पा रहे हैं ना, तो आज आपको रोना होगा। भले ही आपकी निगाहों में आपके माता पिता जो बुजुर्ग हैं उनकी अब कोई स्थान ना हो, या फिर उनकी आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई इनको तो जाना ही है, निपट जाएं, लेकिन जवान जवान युवा पीढ़ी जो आपके बच्चे भी हैं उनके साथ भी खेल खेला जाएगा, कि आपकी आँखों के सामने आपके बच्चों को, आपकी जो पत्नी हैं, आपके जो घर में रहने वाले जवान जवान बच्चे हैं, उनको छीना जाएगा। तब आपको दर्द होगा कि क्या हो रहा है ये। आज जो चीज़ हमारे आयुर्वेदिक सिद्धांत अनुसार नॉर्मल तरीके से सरल तरीके से उपचार में लाई जा सकती है, आज उसके लिए सर्दी जुखाम के चक्कर में जो इंजेक्शन ठोंके गए उससे हमारे बच्चों को छीन लिया गया। तब आपको पता चलेगा कि आपसे, आपके जो हितेशी हैं उनको इसीलिए छीना जा रहा था कि ये सब कुछ करवाया जा सके। आपके जीवन में आयुर्वेदिक को स्थापित करने वाले संतों का सानिध्य इसीलिए छीना जा रहा था कि ये लोग अपने हिसाब से आपके शरीर में इंजेक्शन ठोक सकें। और आज अगर आप सोच रहे हैं कि ये अत्याचार मात्र नॉर्मल है, बापूजी का विषय है, उनके भक्तों का विषय है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि इस देश में बैठाए गए जो एलीट्स हैं वो आपको क्या करेंगे आपके साथ, आपके परिवार के साथ, इसके विषय में आप थोड़ा ज़रूर समझ लीजिए कि आपके आयुर्वेदिक शास्त्र का इस देश में इतना दोहन किया गया है, इस नौबत में लाकर खड़ा कर दिया गया है कि आप बड़ी बड़ी मेट्रो सिटियों में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको अच्छे से अच्छे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल नहीं मिलेंगे, और अगर मिल भी गए तो वहाँ पर सारी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, और अगर फैसिलिटी में कुछ अंश मिल भी गया तो आपको शल्य चिकित्सा और बहुत जैसे ऑपरेशन है बड़े पैमाने से आयुर्वेदिक पद्धति से पंचकर्म के माध्यम से बहुत कुछ हो सकता है, वो व्यवस्थाएँ नहीं मिलेंगी, और जो व्यवस्थाएं मिलेंगी भी तो वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में मिलेंगी, और उन प्राइवेट हॉस्पिटलों का रेट इतना ज़्यादा है क्योंकि आयुर्वेदिक के नाम पर लोग डोनेशन भी बहुत कम करते हैं, और वो मात्र उन हॉस्पिटलों में अमीर लोग ही इलाज करवा पाते हैं। गरीब बेचारा नाम सुन पाता है कि भाई मुझे कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मिल जाए, लेकिन जब पता चलता है उसे कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अच्छा मुझे नहीं मिल सकता, तो फिर से उसे एलोपैथिक की ओर ढकेला जा रहा है, और फिर एलोपैथिक के नाम पर उनके साथ क्या किया जा रहा है। तो इसीलिए अगर आप भारत का अच्छा भविष्य चाहते हैं, तो बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने, आप अपना अच्छा भविष्य चाहते हैं ये भी मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी, अगर आप जीवित रहना चाहते हैं तो कम से कम अपने जो मूल सिद्धांत हैं, शरीर की जो आवश्यकता है, शरीर जिससे चलता है, उस आयुर्वेदिक की ओर लौटें, और आयुर्वेदिक का प्रचार करने वाले ऐसे जो रियल संत हैं उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाएँ, और आज मांग करें कि भारत देश में आयुर्वेदिक बड़े पैमाने में इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के जो WHO की गाइडलाइन आने वाली हैं वो बड़ी ही खतरनाक आने वाली हैं। पैंडमिक के नाम पर आपको आयुर्वेदिक काढ़ा भी नहीं पीने दिया जाएगा, ये तक नौबत आपके सामने खेली जाएंगी, तब आपको पता चलेगा कि आपसे ऑक्सीजन भी छीना जा रहा है, आपसे पानी भी छीना जा रहा है, आपसे आपकी खाने की जड़ी बूटियाँ तक छीनी जा रही है। मेरा एपिसोड बहुत सरल तरीके से बनता है, इसमें बहुत सारे आंकड़ों की मैं स्लिप नहीं दिखाता हूँ, क्यों? क्योंकि ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि इन बातों को अगर मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके या फिर कुछ सरल तरीके से ना समझाकर कुछ बहुत ही तथ्यात्मक तरीके से समझाने लगूँ तो ये वीडियो उड़ने में समय नहीं लगेंगे, जो आज क्रांति युद्ध चैनल चल रही है उसमें भी समय नहीं लगेगा, तो समझदार को इशारा भी काफ़ी होता है, तो समझ जाना चाहिए इन तमाम बातों को, और अपनी ओर, अपनी संस्कृति की ओर और अपने हितेशियों की ओर लौटना बहुत ज़रूरी है। और आज जो संतासाराम जी आपके साथ खेल खेला जा रहा है इस पर संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। जो लोग ऐसा माइंड सेटअप बनाकर बैठे हैं कि हाँ संतासाराम जी आपू ने गलत किया है, तो इस पर विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि आप तमाम तथ्य संतासाराम जी आपू के चेक करें, उनके केस का थोड़ा सा विश्लेषण समझें, तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में क्या है ये पूरा खेल। अपनी मूल धरोहर की ओर लौटें, और फिर मिलेंगे नए अध्ययन के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।